अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक मौसमी मकई की काश्त और इसकी बेहतरीन पैदावार हासिल करने के लिए हमें कौन कौन से इकदाम करने पड़ते हैं, इसके बारे में अपने किसान भाइयों की रहनुमाई की जाएगी। पूरी वीडियो देखें, उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपको इसका जो बेहतरीन वक्त काश्त है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। काश्तकार मौसमी मकई को जुलाई से अगस्त के महीने में काश्त कर सकते हैं, क्योंकि मौसमी मकई में पैदावार का तयन उसकी काश्त का वक्त होता है। हाइब्रिड मकई, जैसा कि आपको पता है कि ज़्यादा दर्जा हरारत में अच्छा रिज़ल्ट नहीं देती, पैदावार कम होती है। इसको उगाओ के बाद तकरीबन 20 से 25 दिन तक 40 डिग्री से कम दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। मौसमी मकई का जो बेहतरीन वक्त काश्त है, जिसको बम्पर क्रॉप आप हासिल करने का वक्त कहते हैं, वो 25 जुलाई से 10 अगस्त तक है। और ये जो टाइम है, ये सेंट्रल पंजाब और जुनूबी पंजाब के इलाकों में है। अपर पंजाब और केपी के इलाकों में आप 10-15 जुलाई से काश्त शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इन इलाकों में दर्जा हरारत निस्बतन कम होता है। ज़मीन का इंतखाब मौसमी मकई के लिए बड़ी अहमियत का हमल होता है, क्योंकि इन दिनों में बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए मैरा ज़मीन सबसे बेहतरीन ज़मीन समझी जाती है मौसमी मकई के लिए, क्योंकि मैरा ज़मीन में पानी खड़ा नहीं होता। ज़्यादा बारिशें हों, पानी या तो खुश्क हो जाता जल्दी या फिर निकल जाता है, तो मकई का ज़्यादा नुकसान नहीं होता। खादों का इस्तेमाल, कौन कौन सी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए? बवाई के वक्त एक बोरी DAP और आधी बोरी, कम से कम आधी बोरी पोटाश इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके बाद जब फसल आप देखें कोई 1.5 से 2 फुट हो गई है, तो उस वक्त भी एक बोरी कम से कम यूरिया इस्तेमाल करनी चाहिए। फसल को पहला पानी आप फसल को तकरीबन बवाई के 3 हफ्ते बाद लगाएं, उसके बाद दूसरा पानी और तीसरा पानी फसल और मौसम को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूरत के मुताबिक लगाएं, क्योंकि इस फसल को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर किसान भाइयों ने चारे के लिए मौसमी मकई की काश्त करनी है, तो उसके लिए कम से कम 40 से 50 किलो जो बीज है वो इस्तेमाल करना चाहिए चारे के लिए, फसल के लिए। काश्तकार ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए ज़रई तहकीकती इदारा सरगोधा उसका सिफारिश करदा बीज जो है वो इस्तेमाल करें, इससे भी किसानों को खातर खा फ़ायदा होगा। इसी तरह मौसमी मकई और इस तरह दूसरी फसलों के बारे में बर वक्त इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको बर वक्त इसकी नोटिफिकेशन भी मिलते रहें और इंफॉर्मेशन भी मिलती।